नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में बता दिया गया है। जल्द ही इसका आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1000 पदों के लिए अधियाचन जो है अलग अलग विभागों को भेजना स्टार्ट कर दिया गया है कि जल्दी से भैया आप लोग बता दो जो पद हैं और उन पे जो नियुक्त आपका नोटिफिकेशन का कार्य है, आगे की जो कार्यवाही है उसको पूरा कर लिया जाए। तो जो ये आज खबर में बता रहा हूँ, ये आपको हिंदुस्तान जॉब्स में भी देखने को मिल जाएगा कि उसमें क्या कहा गया है। ये बात ध्यान से देख लीजिए। ये है, बोला गया है कि यूपी सचिवालय में रिक्त पदों के जो रिक्त पड़े पद हैं आपके ओवरऑल 1000 पदों पर भर्ती जल्द होगी। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अधियाचन प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग को दे दिया गया। मतलब 1000 पोस्ट कुछ हो सकता है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा भरा जाएगा और कुछ आपके अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा। सचिवालय के रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों को, कौन सी सीधी भर्ती के पदों को जल्द भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेज दिया गया है। ठीक है, बताया जाता है कि सीधी भर्ती में करीब 1000 से अधिक पद हैं, 1000 से ज्यादा पद हैं आपके। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने के अधियाचन प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग 1, 2, 3, 4, 5 के अधिकारियों को दिया गया है। सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की समीक्षा अधिकारी के करीब, देखो ये बता दिया गया है कि जो सीधी भर्ती आएगी लोक सेवा आयोग के द्वारा उसमें समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पोस्ट बहुत होता है भाई साहब। आरओ के पोस्ट आपके 600 होंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के पोस्ट आपके 250 होंगे और कंप्यूटर सहायक के 175 पोस्ट, मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट वाला जो है आपका कंप्यूटर वाला उसके आपके 175 पोस्ट होंगे। पिछली बार ये भी कम था, तो इतने पोस्ट तो यही हैं, ये आपके भरे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसका आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो एक अंदाजा बताया जा रहा है कि यूपीपीएससी आरओ आरओ का जो नोटिफिकेशन है, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन, वो आपको जुलाई में ही, बीओ का भी और आरओ एआरओ का, ये दोनों कहीं ना कहीं आपको जुलाई से अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। जुलाई से अगस्त के बीच में इन दोनों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कौन कौन से, बीओ का भी और आरओ एआरओ का भी। तो टीम द्वारा, परीक्षा प्लस टीम द्वारा आरओ एआरओ टारगेट बैच लॉन्च किया जा रहा है। आरओ एआरओ टारगेट बैच जो आपका फुल्ली फोकस होगा 2022 के आरओ एआरओ के लिए। इसमें आपको हिंदी की क्लासेस पूरी स्पेशल, जो 60 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो कवर कराया जाएगा, और जीएस के जो 140 प्रश्न हैं वो पूरा कवर कराया जाएगा, और इस जीएस में आपके 10 से 12 जो क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं वो भी कवर होगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 3000 रुपीज है, लेकिन अभी ये डिस्काउंट के साथ चल रहा है और इसकी जो प्राइस है वो 599 है। ठीक है, तो 599 में, ठीक है, आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। कहां से इनरोल, कैसे करना है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से। कौन सा, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करना है, और कोर्सेस में जब जाओगे तो वहां पे आपको आरओ एआरओ टारगेट बैच मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे और जैसे ही पेमेंट करते हो आपका कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसकी क्लासेस 1 वीक के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आपके अगले मंडे से, आज आपका, ठीक है, संडे है, तो अगले मंडे से अभी ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा 1 वीक तक। अगले मंडे से इसकी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलने लगेंगी। ठीक है, इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा,
और सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको, ये सब कुछ हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो भाई देर ना करो, अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का लुफ्त उठाओ। 599 में ये बैच आप इनरोल्ड कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है बैच से रिलेटेड, तो आप इन नंबर पे 9450006007 और 9129907080 पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हो। ये पोस्ट मैंने बताया जो बीओ है और आरओ दोनों का ही प्राइस सेम है, आपका कितना है 599। तो आप इतने में आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो, डेडिकेटली रखना चाहते हो, तो आरओ में पहली दफा इतना हो रहा है कि भैया 600+625+ आपके आरओ की है वैकेंसी, और 200 मैंने बताया ना यहां पर, यहां पर देखो 600+ आपके किसकी है, इसकी है, और 250 पोस्ट आपके इसके हैं। 600 पोस्ट आपके आरओ के हैं और 250 पोस्ट एआरओ के हैं, तो कुल मिला के 850 पोस्ट तो यही है, आरओ यारो मिला के 850 पोस्ट है भैया। अगर बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, अगर अच्छे से तैयारी कर ले गए, स्ट्रेटजी से तैयारी कर ले गए, आपको अगली वीडियो मिलेगी कि कैसे तैयारी करना है। और सिलेक्शन सिर्फ आपको हिंदी दिलाएगा अच्छे से, और हिंदी में सभी बच्चे कम से कम 60 में से 55, 56, 57 ये प्रश्न करते हैं। अगर ये टेंडेंसी आप में आ गई ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और 140 में अगर आप उधर 100 प्रश्न आप सही कर ले जाते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।